Hello students, welcome to Civil Step Himachal and their PYQ session of International Relations, जिसमें हम daily कुछ questions को आपके साथ discuss करते हैं, so that you got an idea कि किस level के सवाल आपके exams में पूछे गए हैं और इन questions को approach कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का session। सबसे पहले जानेंगे कि आपके syllabus के किस part को आज हम discuss करेंगे, ठीक है? So basically Indian diaspora से संबंधित question को आज discuss करेंगे, साथ ही साथ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है या नेबरहुड पॉलिसी हम कह सकते हैं, यहां से सवाल है, यहां इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द मैरीटाइम थ्रेट्स फेसेस बाय इंडिया इन द 21st सेंचुरी। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। सो व्हेनेवर क्रिटिकली एग्जामिन गिवन एज अ डायरेक्टिव इन द क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही क्लोजली एनालाइज करना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट करते हुए अपने आंसर को लिखना है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आपको क्रिटिकल अप्रोच है तो आपको क्रिटिकली ही वैल्यूएट कर देना है क्वेश्चन को, आपको दोनों ही पहलुओं को जांच परख करके अपने पॉइंट्स को फैक्ट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है? चलिए इंट्रोडक्शन पर आते हैं। सो अबाउट इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्रीज, आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है, लार्ज पार्ट इंडियन ओशन, साउदर्न पार्ट में इंडियन ओशन है, वेस्टर्न पार्ट में आपके अरेबियन सी है, ईस्टर्न में वे ऑफ बंगाल है, चारों तरफ से हम कह सकते हैं, तीनों तरफ से कह सकते हैं कि सराउंडेड है मैरीटाइम बाउंड्रीज से, इसलिए मैरीटाइम थ्रेट्स भी ज्यादा हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन में हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बॉडी में मैरीटाइम थ्रेट्स फेसेस बाय इंडिया, कौन कौन से थ्रेट्स ऐसे हैं 21st सेंचुरी में, उनको आप बॉडी की फॉर्म में लिखेंगे, देन द कंक्लूजन। सो मैरीटाइम थ्रेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मैरीटाइम टेररिज्म, ठीक है? टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या रहा, तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हैं मुंबई का, मुंबई 1993 ब्लास्ट हुए थे, या फिर तभी भी जो वेपनरी है वो सी शोर के माध्यम से एंटर की थी महाराष्ट्र से, या फिर अभी मुंबई के जो 2008 के अटैक हुए हैं, तो जो भी टेररिस्ट आए थे मुंबई ब्लास्ट में वो सी शोर से ही आए थे। तो मैरीटाइम अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो इस प्रकार के टेररिस्ट के थ्रेट्स हमेशा बने रहेंगे। नेक्स्ट है पायरेसी एंड आर्म्ड रोबरी। तो यहां पर आप एग्जांपल दे सकते हैं सोमालिया का, ठीक है? सोमालिया पायरेट शो है आपके इंडियन ओशन रीजन में, जो भी डिप्लॉयमेंट होता है शिप्स का उनको लूट लेते हैं, ये गल्फ ऑफ एडान है या जितने भी इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स हैं, गल्फ ऑफ हमरूज है, पर्शियन गल्फ है, यहां पर ये पायरेट्स जो है अक्सर जो है पायरेसी का काम करते हैं, लूटपाट करते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी बाउंड्रीज की, तो हमेशा देयर इज अ सेंस ऑफ थ्रेट। सो नेक्स्ट आप बात करते हैं स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये बहुत कॉमन है इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है? बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है, बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस आते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई बिकॉज ऑफ लूज आपकी सिक्योरिटी रीजंस, ये इसके पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पेट्रोलिंग वेसल्स हमेशा टाइम टू टाइम जो है पेट्रोलिंग पे जानी चाहिए, ठीक है? बाउंड्रीज प्रॉपरली जो है वो रहनी चाहिए सिक्योर, तभी जो है प्रॉपर एक कह सकते हैं कि भाई सिक्योरिटी मैरीटाइम बाउंड्रीज की हो पाए। इन्फिल्ट्रेशन का खतरा हमेशा रहता है, इलीगल माइग्रेशन की समस्या बहुत है, बहुत से वे ऑफ बंगाल रीजन में बहुत बार ऐसे केसेस देखेंगे कि वे बे ऑफ बंगाल से होते हुए शिप्स आते हैं इलीगली माइग्रेशन को बढ़ाने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन गलत तरीके से होता है, ठीक है? तो अच्छी मैरीटाइम सिक्योरिटी ही बचा सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रेइंग ऑफ फिशरमैन बियॉन्ड मैरीटाइम बाउंड्री, अब ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर प्रॉपर मैरीटाइम बाउंड्री हो, प्रॉपर एक सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है, तो बहुत बार फिशरमैन जो है अक्सर जैसे श्रीलंकन फिशरमैन एंटर कर जाते हैं, और हमारी जो नेवी एलोकेट है आपके बाउंड्रीज पे, वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। सेम हैपेंड विद इंडियन फिशरमैन, तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि उन फिशरमैन की फॉर्म में टेररिस्ट भी होते हैं, या वो फिशरमैन जो है आपके गलत तरीके से स्मगलिंग कर रहे होते हैं, और इनमें जो आपकी नेवी है वो भी हेल्प करती है, तो कहीं ना कहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी बहुत बड़ा थ्रेट भी है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। नाउ एनवायरमेंटल सिक्योरिटी इज अ ह्यूज कंसर्न, कि देखिए एनवायरमेंट जो है आपका इंडियन ओशन रीजन का या जितना भी इंडिया का सी शोर रीजन है,
ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी प्रकार की इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है। अब होता क्या है, जैसे मान के चलिए सर क्रीक का रीजन है जो गुजरात के साथ, सर क्रीक का क्षेत्र आता है, पाकिस्तान के साथ हमारे डिस्प्यूट है इस रीजन में, ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंडियन फोर्सेस देयर, वहां पर जो है बहुत ही कम जो है मूवमेंट होती है किसी भी प्रकार की। अगर ऐसा ना हो तो पहले तो इसका मिसयूज पाकिस्तान बहुत ज्यादा करेगा और स्मगलिंग या माइग्रेशन, बहुत सी समस्या यहां से झेलने को मिल सकती है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ क्योंकि रिच है, इन्वायरमेंट रिच रीजन है ये, लेकिन क्योंकि डिस्प्यूटेड है और फोर्सेस का एलोकेशन है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो सिक्योर रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या है, माइनिंग होने की समस्याएं हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट है ओशन रिसोर्स सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके नेवल वेसल्स प्रॉपरली एलोकेट हैं, प्रॉपरली पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे सी बेड रीजन हैं जो बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज रिच है, ठीक है, वहां की सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। अगर डिप्लॉयमेंट फोर्सेज ही नहीं होगा तो आसानी से कोई भी देश उनका मिसयूज कर सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अपने पॉइंट्स को आपने ऐड करना है। नेक्स्ट अब क्या हो सकता है भाई, कॉन्क्लूजन। तो कॉन्क्लूजन में दो लाइंस में आप डिफाइन कर सकते हैं दैट मैरिटाइम सिक्योरिटी इज द नीड ऑफ आवर इंडिया इज अ सच ए नेशन, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन हमारा हमसे लगा हुआ है, और आज इंडियन ओशन रीजन में बहुत से वेस्टर्न नेशंस, चाइना, ठीक है, बहुत से देशों का इंटरेस्ट है, तो हमें अपनी बाउंड्रीज को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, ये तो पहला सवाल हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सिग्नल इंडिया कमिटमेंट टू इंप्रूव टाइज विद इट्स इमीडिएट नेबर्स बट फेसेस चैलेंजेस ऑफ रीजनल डिप्लोमेसी। ठीक है, तो क्या चैलेंजेस हैं, ये इसमें पूछा गया है, डिस्कस डायरेक्टिव की फॉर्म में है, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो जब कभी भी डिस्कस डायरेक्टिव की फॉर्म में गिवन होता है, वी कैन टेक द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ डिबेट बट वी कैन फॉलो द होलिस्टिक अप्रोच। इट मीन्स दैट द कनेक्टिविटी ऑफ द आंसर विद योर क्वेश्चन शुड बी मेंटेन, वो होना बहुत जरूरी है। सो इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले आप बता सकते हैं कि भाई नेबरिंग जो हमारे नेशंस हैं कि क्या इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी है, किस प्रकार से हमारी फॉरेन पॉलिसी की है एक सबसे महत्वपूर्ण एडॉप्ट किया गया है, स्पेशली आफ्टर 2014 जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 में, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में नेबरहुड पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, जिसमें जितने भी हमारे छोटे देश पड़ोसी देश हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये लिखकर आप बॉडी पे आ सकते हैं। बॉडीज में हम दो पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे कि भाई इंडिया ने क्या एफर्ट्स लगाए हैं इमीडिएट नेबर्स के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए, और क्या चैलेंजेस हैं रीजनल डिप्लोमेसी में, तो ये आप क्वेश्चन में ऐड करेंगे एंड देन द कंक्लूजन। तो चलिए लेट अस डिस्कस फर्स्ट द जो आपकी बॉडी है। तो सबसे पहला है इंडियाज एफर्ट्स टू इंप्रूव टाइज विद इमीडिएट नेबर्स। तो सबसे इसमें है कि पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस। अब देखिए, भारत जो है आजाद हुआ, भारत साउथ एशिया में एक लीडिंग नेशन है। डिस्पाइट द फैक्ट इंडिया डिसाइडेड नेवर एवर टू थ्रेटन एनी एनी नेशन जो कि उनके पड़ोसी देश हैं, देखिए भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जैसे छोटे देश हमारे सराउंडिंग में हैं, और हमेशा ही उनके मन में ये सेंस ऑफ थ्रेट रहा स्टार्टिंग से ही कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है उनको उन पर अधिकार कर ले या किसी भी प्रकार से उनको डराए धमकाए किसी भी फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। बट इंडिया हैव नेवर डन फॉलो दिस काइंड ऑफ पॉलिसी। ठीक है, और इसीलिए इंडिया को एज अ सॉफ्ट स्टेट भी कहा जाता है। अगर चाइना के इंडेक्स में आप देखिए, साउथ चाइना में जितने भी पड़ोसी देश हैं चाइना के, 90% ऑफ द साउथ चाइना सी इज क्लेम्ड बाय चाइना, लेकिन इंडिया ने ऐसा कभी नहीं किया। हमने नेपाल के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, भूटान के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है, श्रीलंका को हमने हमेशा सपोर्ट किया, बांग्लादेश के फॉर्मेशन में सहायता की, अफगानिस्तान में हमारे इन्वेस्टमेंट से, एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इंडिया ने हमेशा ही फॉलो किया है। इंप्रूविंग रीजनल कनेक्टिविटी, भारत की लगातार ये पॉलिसी रही है कि पहले भी ऐसा नहीं था कि इंडिया ने कभी ध्यान ना दिया हो, बट अब ज्यादा हमारा फोकस है कि रीजनल कनेक्टिविटी हमारी बने। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, सो कालादान प्रोजेक्ट के माध्यम से, कालादान जो प्रोजेक्ट है आपका वेस्ट बंगाल से सीधा म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है, एंड देन फ्रॉम म्यांमार नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कनेक्ट हो रहा है।
या ट्राइलेटरल हाईवे जो बन रहा है जिसमें इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं, ठीक है, या फिर हम कनेक्टिविटी बनाने की बात कर रहे हैं चाबार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान और ईरान के साथ, ठीक है। सो ये कुछ फाइनेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है। नेपाल में हमारी ऑलरेडी कनेक्टिविटी अच्छी है और उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सेम इन द केस ऑफ भूटान। सो कह सकते हैं कि लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिली है भारत के नेबरिंग नेशंस के साथ, इंप्लीमेंटिंग गुजराल डॉक्ट्राइन। सो आई के गुजराल जो थे बहुत ही प्रोमिनेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी एक डॉक्ट्राइन गिवन है जिसे गुजराल डॉक्ट्राइन भी कहा जाता है। सो उनके डॉक्ट्राइन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भारत सरकार प्रेफर कर रही है कि भाई किस प्रकार से हमें अपने नेबर्स के साथ संबंधों को बेहतर करना है। प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू द नेबर्स वेदर वी आर गोइंग टू मेक रिलेशंस इकोनॉमिक रिलेशंस या किसी और प्रकार के रिलेशंस बनाए। कई बार हो सकता है आपको नुकसान उसकी वजह से हो रहा है, किसी देश के साथ इन्वेस्ट करके बहुत फायदा नहीं है, जैसे हो सकता है भूटान में हम इंडिया इन्वेस्ट करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट रिटर्न में नहीं मिलेगा, बट आपको फिर भी भूटान, नेपाल जैसे देशों को प्रेफर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो देर इज चाइना, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैलेंजेस। अब रीजनल जो डिप्लोमेसी है, रीजनल डिप्लोमेसी के कारण बहुत से चैलेंजेस हैं, चाइना एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें सबसे पहला कारण है आपका डिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट। अब हुआ क्या, भारत जैसे ही आजाद हुआ तो डिमार्केशन ऑफ लाइंस जो है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को टुकड़ों में बांट दिया। पहले तो इंडिया देखिए, अगर पाकिस्तान एक हिस्सा होता, अफगानिस्तान तक हमारा एरिया था, तो डायरेक्ट हमारी रीच मिडल ईस्टर्न सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी बन जाती, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सेम इन द केस में बांग्लादेश अगर साथ में होता तो सीधा बाउंड्री का जो कांटेक्ट है हमारा म्यांमार रीजन के साथ हो रहा है। तो ऐसे बहुत से डिसएडवांटेज हुए हैं। उसके बाद बहुत से इश्यूज भी इसकी वजह से हुए हैं, जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटी के प्रॉब्लम्स सामने आए हैं, जैसे रोहिंग्या का इशू है, या बहुत से माइग्रेट जो आपके भारत अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, ठीक है, वो प्रताड़ित किए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रिवर वाटर डिस्प्यूट हैं इन देशों के बीच में, ठीक है, जैसे बगलीहार प्रोजेक्ट का मामला है या फिर तीस्ता रिवर का मामला है बांग्लादेश के साथ। तो इस प्रकार की समस्याएं बिकॉज ऑफ दिस जो है हुई है, रीजनल डिप्लोमेसी की वजह से चैलेंजेस बढ़े हैं हमारे। इमरजेंस ऑफ चाइना, चाइना सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडिया को के इफेक्टिव रोल जो नेबरहुड में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। नेपाल का एग्जाम्पल हम यहाँ दे सकते हैं, भाई नेपाल के साथ हमारे संबंध 5 सालों में बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। सेम इन द केस विद श्रीलंका का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अभी ईस्ट टर्मिनल की हमारी इन्वेस्ट हमारे हाथों से निकल गई बिकॉज ऑफ द चाइनीज प्रेशर, ठीक है। या बांग्लादेश का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बांग्लादेश अब क्लोजनेस बढ़ा रहा है चाइना के साथ, चटगांव में पोर्ट दे दिया। म्यांमार का एग्जाम्पल यहाँ पोर्ट कर सकते हैं। ये वो देश हैं जिनके साथ हमें हमारे संबंध ज्यादा अच्छे रहने ही चाहिए, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं काउंटर भारत को यहाँ पे कर रहा है, पीछे छोड़ रहा है, ये चिंता की बात है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो एक डोमेस्टिक पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल दे दीजिए, तमिल तमिल जो सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से पॉलिटिक्स हुई है, तमिल्स का मिसयूज किया गया है श्रीलंकन कंटेक्स्ट में। या तीस्ता रिवर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई वहां के जो वेस्ट बंगाल के सीएम है उन्होंने पुल ओवर किया तीस्ता रिवर के मैटर को, बहुत पहले सॉल्व हो जाना चाहिए था। इस प्रकार की समस्या जो है ये बनी रही है रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से भी, लैक ऑफ कनेक्टिविटी, तो ये भी एक बहुत बड़ा है। हालांकि अब ध्यान सरकार पिछले 5-10 साल में बहुत ज्यादा दे रही है रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ, बट 50-60 साल तक आपने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो एक चिंता की बात, ठीक है, ये आप आंसर्स में ऐड कीजिए। देन कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो कंक्लूजन में फॉरेन पॉलिसी का जो रोल है उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें नेबरहुड फर्स्ट ये वर्ड ऐड किया गया है कि भाई हमें प्राथमिकता देनी ही है हमारे नेबर्स को, चाहे हमें उनसे बेनिफिट्स डायरेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आप इसमें और ऐड कर सकते हैं कंक्लूजन में। अगले सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज रोल ऑफ डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा बेसिकली इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का ये सवाल है। नाउ डायरेक्टिव क्या गिवन है, सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन अप्रोच करना है एनालाइज, आपको डायरेक्टिव ही देखना है। एनालाइज कभी भी डायरेक्टिव की फॉर्म में गिवन होता है, तो वी हैव बेसिकली एनालाइज द क्वेश्चन प्रॉपरली, एनालाइज आपको करके ही अपने आंसर को लिखना है।
एग्जामिन करके आंसर को करना है, बट कनेक्टिविटी यहां भी देखनी है कि बनी रहे। नाउ इंट्रोडक्शन में क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा डिफाइन, चार नंबर का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है नहीं, तो दो लाइन में आप थोड़ा सा इंडियन डायस्पोरा है क्या वो बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद रोल ऑफ डायस्पोरा इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है, बॉडी पे आते हैं। तो इकोनॉमिक फ्रंट आप बता सकते हैं भाई, इकोनॉमिक फ्रंट पे ज्यादातर जो दुनिया में आपके इंडियन डायस्पोरा एलोकेट है, इंडियन डायस्पोरा सिंपल मतलब है कि जो भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति पूरे विश्व में रह रहे हैं, भारत से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसे इन जनरल इंडियन डायस्पोरा कह दिया जाता है। तो ज्यादातर इनमें काफी लोग रिच हैं, ठीक है, जो आपकी इकोनॉमी का इनफ्लो भारत की तरफ बनाए रखते हैं, पहली बात। दूसरा, लो इनकम के भी हैं, लेस स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, जैसे वेस्ट एशिया में बहुत से आपकी वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलिए ये अगर वर्कर्स हजारों की संख्या में है, हजारों लाखों की संख्या में है, अगर ये वेस्ट एशिया या इन रीजन्स में नहीं काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बर्डन एम्प्लॉयमेंट का इंडिया पे बना रहेगा, ठीक है, तो ये भी कारण है। इसके अलावा हमारे जो रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, उनको भी, क्योंकि एक लॉबी भी तो क्रिएट हुई, जैसे कनाडा, यूएस, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देशों में इंडियन लॉबीज बनी हुई हैं जो प्रेशर वहां की सरकारों पे डालती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करने के, ठीक है। जैसे H1 वीजा का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, लंबे समय से यूएस में H1 वीजा जो ट्रंप शासनकाल में रद्द कर दिया गया था उसको लागू करवाने की बात कर रही, हालांकि अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिखाया है जो बाइडेन ने, लेकिन अभी भी स्टिल इंप्लीमेंटेशन उसका दोबारा से हुआ नहीं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फ्रंट, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई पॉलिटिकल आज कैनेडा, यूएस, यूके, ठीक है, इन सभी देशों में हमारे पॉलिटिकल लिंक्स मजबूत हुए हैं बिकॉज ऑफ इंडियन डायस्पोरा। बहुत से इंडियन डायस्पोरा के लोग आज सीनेटर हैं, कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, कोई आपका अच्छी अच्छी पोस्टों पर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के लिंक्स को वो मजबूत करते हैं, ठीक है, संबंधों को बेहतर करने में काम करते हैं। इसके अलावा जो वहां पर लॉबी है, इंडियन लॉबी है, वो पॉलिटिकल प्रेशर भी डालती है वहां की सरकारों पर। जैसे मैं एग्जाम्पल यहां पर दूंगा आपको सिविल न्यूक्लियर डील का, ये आप जरूर कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल कि भाई यूएस के साथ 2005 में हमने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी। अब साइन तो कर ली, लेकिन वहां की सीनेट में इसका बहुत विरोध हुआ कि ये सही नहीं है, इसको रद्द कर देना चाहिए, लेकिन वहां की जो इंडियन लॉबी है उसने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला कि नहीं, भारत के साथ ये जो डील है ये होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार के और ऐसे बहुत से स्टांस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर इंडियन डायस्पोरा का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। नाउ फॉरेन पॉलिसी फ्रंट, ठीक है, सो ऑफकोर्स ये दो रीजन बहुत महत्वपूर्ण है और यही फर्दर हमारी फॉरेन पॉलिसी की वैल्यूज को, ठीक है, और ज्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में दूसरे देशों में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जिसमें इंडियन डायस्पोरा हमारी फॉरेन पॉलिसी को लीड करने में सहयोग करता है। तो ये आप पॉइंट जो है कुछ लिख सकते हैं रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा का, क्योंकि चार नंबर का सवाल है, बहुत ज्यादा इसको लेंदी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सो आई होप कि यू गॉट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे पॉइंट्स को एक एक करके माला में पिरोना है, ठीक है, एक कनेक्टिविटी क्वेश्चन के साथ हमेशा ही आपकी बनी रहनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।